आ जाओ, ओके। सपने देखते हो, ख्वाब देखते हो, ड्रीम्स देखते हो, तो अगर देखते हो तो ये वीडियो भाई आपके लिए है और ये देखनी है पूरी। देखें, ड्रीम्स तो हर कोई देखता है, लेकिन क्या आपको ड्रीम्स के बारे में ये किलर फैक्ट्स पता है? और अगर पता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो फिर तो समझें उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप इस वीडियो पे आ गए हैं और इसको छोड़े बगैर आप ना भागें। अब ड्रीम जो है वो तो हम उसको खास इंपॉर्टेंस नहीं देते कि सोए उठे ड्रीम ख़त्म, लेकिन ड्रीम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, ड्रीम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है और बहुत ही ज़्यादा ड्रीम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कैसे इस वीडियो में बताऊँगा, आप सब्र करें, लाइक करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, ड्रीम जो है वो आपके लिए कैसे मुफीद है। देखिए, ड्रीम जो है वो हमारी मेमोरी को इन्हांस करने में हेल्प करता है। आप रात को जो होमवर्क करके या कुछ जो चीज़ पढ़ के सोए हैं, और अगर आप बिल्कुल क्लियर रिलैक्स माइंड के साथ सोते हैं और उसी माइंड के साथ उठते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपने जो पिछले दिन चीज़ें मेमोराइज़ करने की कोशिश की थी वो आपको हो गई हों। और ये वाकई एक बात है, क्योंकि जो ड्रीम होता है ना, वो एक किस्म की रिलैक्सेशन होती है आपके माइंड के लिए। आपका ब्रेन अपने आप को वो चीज़ें दिखाता है जो कंफर्टेबल फील करता है, जिसके अंदर वो रिलैक्स फील करता है। इसी वजह से फिर जब रिलैक्स फील करता है तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। लेकिन एक बात मतलब कि मैं बताऊं आपको, मेमोरी तो इन्हांस हो जाती है, लेकिन फिर क्लास में बच्चे क्यों फेल होते हैं? आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़, क्या आपके साथ कभी मेरी जैसी ये चीज़ हुई है कि जब आप सोए हैं और जब उठे हैं तो आपको लगा है कि मैंने कोई ड्रीम देखा ही नहीं है, एक काली सी स्क्रीन थी, बस लेटे हैं और जागे हैं और बस बात ख़त्म, ठीक है, आपको ड्रीम ही नहीं आया, आपको ऐसा लगा है? और लगा है तो मैं आपको पीछे इसकी मिस्ट्री मैं बताता हूँ। देखिए, जो ड्रीम होता है ना, वो हमेशा हर बंदे को आते हैं, बेशक वो अंधा हो, वो अंधा ना हो, उसको जो भी डिसऑर्डर हो। वो अलग बात है कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोगों को ड्रीम्स नहीं आते, और जिन लोगों को ड्रीम नहीं आते उनका स्लीप का भी कोई फ़ायदा, मतलब उनके सोने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। सोते आप सिर्फ ड्रीम्स की वजह से हैं, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो और एनर्जी गेन करे। ड्रीम हर किसी को आते हैं, लेकिन आपको लगता है ऐसा क्यों है कि आपने कोई ड्रीम नहीं देखा? तो इसके पीछे साइंस ये होती है कि जब आप सोते हैं, सो के जैसे आप उठते हैं, तो आपके एग्जैक्ट 5 मिनट में आप तमाम ड्रीम भूल जाते हैं 90% ऑफ द टाइम्स। उसमें क्या होता है कि भाई 5 मिनट तो आप सोते सोते उठते उठते लगा देते हैं, मतलब आप सो रहे हैं, आपने अगर कोई ब्लैंकेट लिया तो उसको ब्लैंकेट में उठाने में आप 2 मिनट लगाएंगे, इधर उधर देखने में 2 मिनट लगाएंगे, फिर आप टेंशन रहा मैं तो स्कूल जाना है उसमें आप 1 मिनट लगाएंगे, इन तमाम तो चीज़ों में आप अपना ड्रीम भूल जाते हैं और आपको लगता भी नहीं है कि आपने कोई ड्रीम देखा था। ये है जिसके पीछे मिस्ट्री। ड्रीम हर कोई देखते हैं, और जब अंधों की बात कर ही रहे हैं तो ज़रा आगे चलते हैं। क्या ब्लाइंड पीपल भी ड्रीम देख सकते हैं? कैन ब्लाइंड पीपल सी ड्रीम्स? येस, द आंसर इज येस, बिग येस, देख सकते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि जिस तरह आप इमेजेस देखते हैं कि मैंने ड्रीम में देखा कि मैं जी एक बड़े पहाड़ी पे चला गया, उधर से मैंने छलांग मारी, पीछे से पैराशूट खोल लिया है, डायरेक्ट उधर से मैं सऊदी अरब लैंड कर गया हूँ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तो आप इमेजेस में देख रहे हैं ना, एक विजुअल अपीयरेंस है। लेकिन जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके अंदर ये होता ही नहीं पैदाइशी तौर पर, और जो चीज़ उनके अंदर फीड नहीं होती तो ब्रेन को क्या दिखाएगा, ये देखने की ये बात है। तो वो उनके जो ड्रीम्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ साउंड और स्मेल और बाकी तमाम चीज़ें जो वो फील कर सकते हैं, जो उनकी सेंसेस हैं वो फील कर सकते हैं, वो फील करते हैं ड्रीम्स में, और उनको वहाँ से उनके ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलती है। तो बंदा जैसा भी हो उसको ड्रीम्स आने होते हैं, ड्रीम हर किसी को आते हैं, एवरी मैन हैज़ ड्रीम्स, और उसको ड्रीम आने चाहिए अगर उसे अपने ब्रेन को एक्टिव रख रहे हैं। और अगर बात हो रही है तो आगे मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा कि अब क्या आपने कभी ड्रीम में ऐसे इंसान को देखा है जिसे आपने कभी रियल लाइफ में ना देखा हो? तो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ही होता है। अक्सर आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसा बंदा है जो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन एक्चुअली वो बंदा आप कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में देख चुके होते हैं। एक्चुअली जो चीज़ आपकी आइज आपको देख के बताती हैं और आपके ब्रेन में वो फीड होती हैं, बेशक आपको उसकी शक्ल याद ना हो, वो ब्रेन आपका फीड करता जाता है और आखिर जब आप सोते हैं तो आपको ड्रीम में आता है, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि ऐसी शक्लें देखे कि बस आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। हर इंसान वही शक्लें देखते जो वो ज़िंदगी में देखता है। और एक कोई कोई लोग तो मिथ ये मानते हैं कि जी जो आपको ख्वाब आते हैं जो एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं जो कि आप जब आप सोते हैं तो आपके अंदर से जी आपकी स्पिरिट निकल जाती है, सोल निकल जाती है, और वो काम करती है जो आपको ड्रीम्स में दिखते हैं। तो खैर, मैं तो इसको नहीं कह सकता, आप बताएं आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है?
और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक कर दें, एक सब्सक्राइब कर दें, और अब सो जाएं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।